अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मुहर्रम की रेसिपी का कॉम्बो। इसमें मैं बताने जा रही हूँ बघारे बैंग का सालन, खीमे की खुबली और दूध का शरबत। खुबली मेरे चैनल पर पहले से अपलोड की हुई वीडियो है चने की दाल की और बघारे बैंगन के सालन के, लेकिन खीमे खुबली पहली बार बता रही हूँ। इससे पहले चने की दाल की खुबली है। इसके लिए 1.5 किलो ली हूँ बैंगन और इसको नमक के पानी में छोड़ेंगे और ये बैंगन को पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा इसको कट कर लेना जब बघारे बैंगन बनाना रहता, और बैंगन काटने के बाद नमक के पानी में छोड़ना, कसालापन नहीं आता। थोड़ी सी बैंगन कट करी थी, थोड़े से बैंगन वैसे रखिए आप लोगों को बताने के लिए। नमक के पानी में इसको छोड़ देंगे और थोड़ी सी बैंगन है। इसके लिए थोड़ा सा सालन बनाने के लिए हमको ज़रूरत है 2 टेबल स्पून तिल है, 2 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून खोपरा है, और ये 2 टीस्पून भर के ज़ीरा है, 2 टीस्पून भर के धनिया है। सारी चीज़ों को मैं रोस्ट कर ली और इसमें 1 टीस्पून भर के है, इसमें है दाल, इसमें ज़ीरा, राई, मेथी, कलौंजी, 4 चीज़ों का मिक्सर है। जुमला सब मिलाकर 1 टीस्पून है। सारी चीज़ों को एक जगह कर लेंगे और एक मीडियम साइज के प्याज को मैं हाफ फ्राई कर ली, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल डाल के इसको हाफ फ्राई कर ली। सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और एक मुट्ठी इमली को भिगने छोड़ दी। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ बनता और ज़बरदस्त मज़ेदार होता। इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची और 2 टीस्पून नमक। सारे चीज़ें इसमें डाल के मसाले में रख देंगे। सबसे पहले बैंगन को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैं ली हूँ 5-6 टेबल स्पून ऑयल। मसाले के समय में ऑयल बढ़ के लगता। अब इसमें डालेंगे जो बैंगन हम काट के रखे थे वो बैंगन डालेंगे। तेल में जब हम बैंगन डालें तो एक ढक्कन रेडी रखना ढाँपने के लिए। पानी में से नमक के पानी से निकाल के ऑयल में डाल रहे, गर्म ऑयल में, तो पानी ऑयल अच्छा से उछलता। इसको जल्दी से ढाँप देना और इसको 50% फ्राई करके निकाल देना। बैंगन फ्राई हो गए। अब यही ऑयल में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जो राई मेथी कलौंजी का मैं मिक्सचर बोले थे, आप चाहें तो मिक्सचर उनके डाल सकते हैं। ब्राउन होने के बाद ये मसाले डालेंगे, इसको अच्छे से 5-6 मिनट अच्छे से भुनेंगे। इसका कच्चापन, मसालों का कच्चापन जाना, 5-6 मिनट 10 मिनट भी लगे तो इसको अच्छे से भुनना। और मसालों में पानी डालते हुए जो पानी था वो पानी है, पानी भी सूख जाना और इसका कच्चापन भी जाना और इसके सरफेस पर अच्छे से ऑयल आना। बीच बीच में चेक करेंगे ढाल दे के। अगर भूनते वक्त पानी सूख गया और अच्छे से भुने नहीं गया मसाले की बुआरी, तो आप थोड़ा सा पानी को ऐड कर सकते हो, वाटर को थोड़ा सा ऐड करके फिर थोड़ा भूनते जाना। माशाल्लाह अच्छे से भुन गया, उसके सरफेस पर अच्छे से ऑयल आ गया। अब इसमें डाल देंगे, फ्लेम को तेज कर देंगे। अब इसमें जो खट्टा मैं इमली बताई थी उसका मीडियम खट्टा निकाल कर रखें, ये डाल देंगे और फ्लेम को तेज रखेंगे, बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। अब इसमें अच्छे से बॉईल शुरू हो गया। अब इसमें तली हुए बैंगन डाल देंगे। अब इसमें एक छोटे साइज का टमाटर कटे हुआ और करियापा और सूखी मिर्ची। अब ये टाइम आप नमक टेस्ट कर लेना, कम है तो डालना, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कम है। और अच्छे से बॉईल हुआ, अब इसको फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा फ्लेम को करने के बाद इसको ढाँप देंगे 10 मिनट के लिए, इसको धीमे फ्लेम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के लिए मैं धीमे फ्लेम पर ढाँप के रखी थी और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से ढाँपेंगे। आपको इसी तरह से ढाँपेंगे एक 10 मिनट के बाद बताऊँगी। इस पर खुद ही थोड़ी देर से इसके सरफेस पर ऑयल जमना शुरू हो जाता और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती। कोई भी मसाले का सालन ठंडा होने के बाद
गाढ़ा हो जाता, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता। अब इसको ढाँप देंगे, फ्लेम को बंद कर दी, इसको ढाँप देंगे 10 मिनट के बाद बताऊँगी। फ्लेम को बंद करके मैं वैसे ही ढाँप दी 10 मिनट के बाद, ये अच्छा सा सेट हो गया। अब दूध के शरबत की तैयारी करेंगे। दूध के शरबत के लिए 1 लीटर मैं दूध ली और ये गर्म करने के लिए रखी। पहले से ये गर्म था लेकिन फिर इसको पकाना होता। दूध के शरबत के लिए मैं ली हूँ बादाम, 25-30 बादाम है, इसको पानी में भिगा ली और इसका छिलका निकाल लिया और थोड़े से काजू, थोड़े बादाम काजू को बारीक कट कर लिए और बाकी के जो बादाम है इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसके लिए मैं ली हूँ 5-6 इलायची का पाउडर और थोड़ा सा ऊद और इसको पाउडर बना के रख लेना। कोई भी दवा सा पे या जनरल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाता। और ये 100 ग्राम शक्कर है, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब दूध बॉईल होना शुरू हो रहा, अब इसमें शक्कर डाल के पका देंगे। शक्कर डालने के बाद दूध पतला हो जाता, फिर इसको 5-6 मिनट तेज फ्लेम पे मिलाते हुए पका देंगे। दूध का जो शक्कर का जो शीरा घुल जाता उससे दूध फिर और पतला शुरू हो जाता। फिर 5-4 मिनट तेज फ्लेम पे इसको अच्छे से बॉईल होने तक अच्छे से पकाना और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। बादाम का पेस्ट बना लेंगे, पानी या दूध आप जो मर्जी है डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं। दूध को मैं 4-5 मिनट अच्छे से पका लिया। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और जो बादाम का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। अब 5-6 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे बादाम का पेस्ट डालने के बाद। 5-6 मिनट इसको मैं अच्छे से पका ली। अब इसको फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा दूध का शरबत ठंडा होगा और जो ड्राई फ्रूट रखे थे बारीक कट करके वो मिला देंगे। और कुछ भी डाल सकते हैं अब इसमें, पिस्ता, खरबूज, तरबूज के बीज। कोयलों को हम चूल्हे पर रख के गर्म कर लेंगे। जलते हुए कोयले को कोई भी सिल्वर के बर्तन पर रखेंगे और अगर ऊददान है तो ऊददान में भी आप धुआं दे सकते हैं। और कोयला जितना गर्म, ज़्यादा गर्म रहेगा उतना धुआं उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लेना धुएं के ऊद की, 2-3 मिनट रखेंगे। अब इसमें तेज़ी से दूध का जो शरबत है डाल और ढाप देना। जब तक धुआं बाकी रहेगा जब तक ढाप देंगे या 1-2 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो जो दूध का जो शरबत है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए अच्छा धुआं रहना इसके अंदर, शरबत में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारा बघारे पे इनका सालन भी तैयार है, दूध का शरबत भी तैयार है। अब खीमे के खुबली की तैयारी करेंगे। खुबली के लिए मैं ली हूँ 1 किलो बासमती राइस और इसको वॉश करके भीगने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ दी। खीमा ली हूँ 1/2 किलो और 1 किलो चावल के लिए 1/4 किलो चने की दाल 2 घंटे भीगने के लिए छोड़ दी और इसको गला ली। और इसको बराबर गलाना, ज़्यादा बिल्कुल मैश भी नहीं करना और घट भी नहीं रखना। और 250 ग्राम 1/4 किलो गाढ़ा दही और इसको फेंट के रख ली। इसके लिए मैं एक पैन रख दी और इसमें डाली 250 ml ऑयल। 250 ml ऑयल नहीं, 200 ml ऑयल। प्याज ली गई 1/4 किलो, 250 ग्राम प्याज। अब इसको डार्क बिरयानी की प्याज की तरह होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी बिरयानी की तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून लाल मिर्ची, 3 टीस्पून भर के नमक। अब इसमें डालें खीमा। 1 किलो चावल के लिए मैं 1/2 किलो खीमा ली। अगर आप चाहें तो बढ़ा के बढ़ के भी ले सकते। खीमे को मैं अच्छे से भून ली और इसको ढाँप देंगे। खीमे को ढाँप के थोड़ी थोड़ी देर से देखेंगे और भुनेंगे, अच्छे से भुनेंगे और खीमा गलने तक इसको पका देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे, भून लिया और इसका पानी भी सूख गया, खीमे को अच्छे से गला लिया। अब इसमें दही डालेंगे, 250 ग्राम दही।
वन के जी राइस के लिए। और ये आप इसके यखनी बनाते हुए साइड में चावल भी रख सकते हैं, अदहन का जो चावल चावल का अदहन जो है पानी दूसरे चूल्हे पे रख सकते हैं, तो बहुत जल्दी पक जाता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक चूल्हे पे पानी चावल का रख देना, दूसरे चूल्हे पे अदहन ये अखनी पका लेना। अब ये जो दही डाले इसका पानी छूटता, उसको सुखा लेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया, कुतमेर और पुदीना, और दो मीडियम साइज के लेमन का जूस निकाल के रख लेंगे, जूस डाल देंगे। दही डालने के बाद जो पानी छूटा उसको पूरा नहीं सुखाएंगे, थोड़ा सा पानी बाकी रखेंगे और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखा लेंगे। थोड़ा पानी बाकी रखकर चने की दाल डालेंगे। चने की दाल ये उसके जो ग्रेवी है उसमें पकाएंगे थोड़ी देर, तेज फ्लेम पे। क्यों बोलते हैं, इसमें जो टेस्ट है ग्रेवी में नमक मिर्ची का जो मसाला होगा चने की दाल में भी आ जाता है। ये दाल डाल के 4-5 मिनट इसको पका लेंगे ग्रेवी के साथ, और इसको फ्लेम को बंद करके साइड में रख देंगे। इसकी ग्रेवी तो बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ी हल्की सी इसको लूज रखेंगे, बिल्कुल हल्की सी। अभी चावल के साथ दम देना है। अदहन का चावल मैं रख दी, पानी अदहन का चावल, चावल का अदहन मैं रख दी। अब इसमें डालेंगे 3 टीस्पून नमक, और इसमें डालेंगे दालचीनी, शाजरा, लौंग, इलायची, गरम मसाले, और थोड़ा से कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्ची। अब इसका बॉईल होने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया, अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद फ्लेम को तेज़ ही रखना, धीमा नहीं करना। एक बार हल्के हाथों से मिला लेंगे और उबाल आने का इंतजार करेंगे, ढाप देंगे। चलिए हमारा चावल 90% कुक हो गया। अब इसको छान लेंगे और छान के आधा चावल इसमें से निकाल लेंगे। इसमें चावल को निथार लिए और एक लेयर चावल बाकी रखे, और जिसमें हमको खुबली बनाना है वही चावल में खाना पकाना, वही भगोने में खाना पकाना। एक लेयर जमा लेंगे। अब इसके ऊपर से एक लेयर चावल की जमाएंगे। अब एक लेयर चावल की जमाई, फिर और एक लेयर खुबली के जो हम अखनी बनाए थे इसकी जमा देंगे। अब इसके ऊपर से आखिरी लेयर चावल की। अब इस पे से ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा मसाला और हरी मिर्चियाँ, और इसके ऊपर से डालेंगे असली घी। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखी, 5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे रखी थी। 5 मिनट हो गए और फ्लेम को धीमा कर देंगे, धीमा करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे खुबली दम हो रही, जब तक हम दही की चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैं लूँगा 100 ग्राम दही और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे मोटी मोटी चॉप की हुई, और थोड़ा सा कोथमीर, हरी मिर्ची पीसेस किए हुए, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इतनी गाढ़ी चटनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा इसमें पानी की सी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी चटनी तैयार है। 10 मिनट के लिए मैं धीमे फ्लेम पर ढापी थी, 10 मिनट हो गए और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। माशाल्लाह अच्छे से दम, जो हम बासमती चावल के भी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है, और असली घी जो डाले इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू।
माशाल्लाह बहुत अच्छे ओखली बने हैं खीमे के साथ, आप भी ट्राई करिए। माशाल्लाह खीमे के खुबली बहुत मज़ेदार बनी। और रोट की रेसिपी मेरे चैनल पर है, गुड़ के रोट और शक्कर के रोट दोनों की लिंक मैं डालूंगी। और गुड़ के रोट तो बहुत मज़ेदार बने, ज़रूर ट्राई करिए, बिल्कुल आसानी से और हेल्थी टेस्टी बहुत अच्छे, आपको परेशानी नहीं होगी विदाउट ओवन के साथ। और भगारे बैगन का ये सालन है और हमारा शरबत दूध और बादाम का। और शरबत बनाने के बाद जब स्टीम ख़त्म हो जाती तो आप फ्रिज में रख के इसको चिल करके यूज़ करिए, बहुत मज़ेदार होता। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मीठे चोंगे। मीठे चोंगे जो अक्सर मुहर्रम में बनाते हैं वो रेसिपी। इसके लिए मैं मैदा ली हूँ 250 ग्राम और इसमें डालेंगे 1/4 पाव चाय का चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध को ऐड करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे, एक मीडियम डो। इसको एक 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है जब तक हम इसका शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए मैं लिया हूँ 100 ग्राम शक्कर। 100 ग्राम शक्कर में जितनी शक्कर हम लिए नाप के उतना ही पानी लेंगे। शक्कर घुलने तक डिजॉल्व होने तक कंटिन्यू मिलाना और इसमें 3 इलायचियाँ डाल रही हूँ और इसका मुँह खोल के। अगर आपके पास पाउडर है तो थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं और ज़ाफरानी कलर डाल रही हूँ 2 चुटकी और शक्कर घुलने तक कंटिन्यू पकाना है तो बर्तन को लग जाती है। और शक्कर घुलने के बाद थोड़ी देर इसको चिकट होने तक, इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक शीरा इसको पकाना है। चलिए क्वांटिटी में भी थोड़ा सा कम हो गया और गाढ़ा भी हो गया, शीरा गाढ़ा होना, और इसको फ्लेम को बंद करके साइड में रख देंगे। पतला शीरा तैयार नहीं करना, इसके लिए गाढ़ा शीरा तैयार करना। सारे चंगों को मैं बेल ली। डीप फ्राई के लिए मैं आपका रे, चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। थोड़ा सा जो हम रोटी पहले छोटी सी पूरी चंगों की इस पर फोक की मदद से निशान डालने में ये फूलना है, चौ तरफ से सेम रहना। चलिए हमारे चंगे तैयार है। अब उसके ऊपर से जो हम शीरा बना कर रखे थे शीरा डालने के बाद इसके ऊपर से ब्रकश के अलावा कोपरा